हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आर्क सर्वाइवल इवोल्व, आर्क सर्वाइवल ऑफ द विलेज का एक और नया एपिसोड। और वापस से हम लोग सोलो में खेल रहे हैं। और यार क्या बताओ, पिछले मैच में हम लोग का एंड गेम में गेम क्रैश हो गया। ऐसे कनेक्शन विनेक्शन टाइम आउट नहीं आया, वो जो ग्लिच नहीं था गाइस, डायनो के ऊपर बैठ के हम लोग अगर अपने आर्मी को टारगेट करते हैं तो डायरेक्टली हमारा गेम क्रैश हो जाता है, जो हमारे साथ पहले दो तीन बार हुआ है। सेम वही ग्लिच हुआ एंड डायरेक्टली गेम की बैट बच गई और हम लोग गाइस वो मैच वहीं पर हार गए भाई। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सैड लाइफ गाइस। चलो कोई ना, अभी आज का जो एपिसोड है, ये वाला एपिसोड जो है ना गाइज, हम लोग अच्छे से खेलने की कोशिश करेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें भाई गेम क्रैश ना हो, वरना तो भाई मेरा फिर घूम जाएगा भाई दिमाग। फिर तो मेरे को डुओ में साथ में किसी के खेलना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो बंदा एटलीस्ट मेरे को प्रोटेक्ट तो कर लेगा भाई। फिर देखते हैं। चलो अभी फिलहाल के लिए तो ये वाला एपिसोड शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे चैनल पर, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को जाना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको गेमिंग विद आरडी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल की, सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा थैंक्स को ऑप्शन जो है वन लॉक है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक जरूर, डिसलाइक के साइड में एक थैंक्स का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, तो नीचे लिंक मिल जाएगा नेटराडो सर्वर का, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। तो जरूर से चेकआउट कर लेना नेटराडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अभी आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और गाइस अगर आपको सर्वाइवल ऑफ द विलेज के और एक्स्ट्रा एपिसोड देखने तो गेमिंग विद आनी के चैनल का लिंक नीचे है, वहां पे ना आप लोग को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के और एक्स्ट्रा एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। मैं जा रहा हूं फार्पिक गाइस, मुझे गीगा चार चार चाहिए भाई। ठीक है चलो आ जाओ भाई, रेडवुड बीडवुड में भाई उधर उधर के थक चुका हूं मैं, वो ग्लिचेस भरी जिंदगी से जो ना गाइस भाई खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो चुका है मेरा। इसलिए भाई अभी जो ना गाइस मैं जा रहा हूं फार्पिक पे, और इस बार मैं टारगेट ब्रिगेड नहीं दूंगा, मैं अटैक माय टारगेट भाई वो कर दूंगा, ताकि जो ना मैं अगर जाके किसी को भाई बाइट बीट करूँ ना, तो गाइस मेरे पीछे से मेरे आर्मी भी उनको मारने के लिए आया। हाँ बस इसमें डिसएडवांटेज ये रहेगा कि हम लोग को आगे जाके थोड़ा सा मार खाना पड़ेगा, उसके बाद पीछे से हमारी आर्मी आएगी। लेट्स गो गाइस। चलो अभी फिलहाल के लिए जाते हैं हम लोग चार चार गीगा माउंटेन पे, और गीगा के ऊपर वो जो ग्लीच है ना कमांड वाला टारगेट वाला, वो कुछ ज़्यादा ही वर्क करता है। ठीक है, सो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि अगर गीगा वीगा टेम करा और वो ग्लीच वापस से हुआ तो फिर बैड बच जाएगी। ठीक है चलो लेट्स सी, देखते क्या होता है। अभी तो फिलहाल के लिए फार्पिक भी उतरने वाला हूँ मैं, ये रेड ड्रॉप पे सीधा मैं उतर रहा हूँ, ये वाले रेड ड्रॉप पे, वो आगे साइड पे एक रेड ड्रॉप है, बट मैं तो भाई इस वाले रेड ड्रॉप पे उतरूंगा। ठीक है, गीगा और चार्जर मेरे को चाहिए भाई किसी भी कीमत पे भाई। ठीक है, और गीगा और चार्जर को ढूंढने के लिए मैं जाऊँगा भाई ऊपर, और उम्मीद कर रहा हूँ जोन क्लोज होने से पहले गाइस मुझे गीगा या चार्जर जो है ना गाइस उनके दर्शन हो जाए, वो मिल जाए मेरे को। ओके लेट्स गो भाई, वो टच डाउन तो हो गया भाई, ड्रॉप तो वहाँ पे गिर चुका है, बस मेरे से पहले कोई और आके भाई उड़ा के लेके ना जाए उस ड्रॉप को। ओके अबे लूट ना, हाँ नाइस वन, जी जी लक इतना अच्छा हमारा कि यहाँ पे हम लोग को एक ये मिल रहा है। इससे क्या होगा बताया, हम लोग को भाई गीगा और चार्जर को टेम करने के लिए जितने पॉइंट चाहिए थे वो एक ही पटके में मिल जाएंगे। ठीक है, कम ऑन डूड, कम ऑन डूड, कम ऑन कम ऑन, क्या लोड ना हो रही है भाई, ये ने बिने में घुस। अबे हेलो चीटिंग भाई, व्हाट द हेल, पिंग कितना जा रहा है मेरा, अबे नहीं पिंग ज्यादा भाई, पिंग बहुत ज्यादा है, पिंग ज्यादा है, पिंग ज्यादा है। चलो कोई ना भाई, 146 पॉइंट मिल चुके हैं, चार्जर को टेम करने के लिए भाई मेरे हिसाब से इनफ पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अभी बस मुझे टॉप पे जाना है जल्दी से भाई। ठीक है, जल्दी से पहुंच जाना है टॉप पे, गीगा या चार्जर हो सकता है गाइस यहाँ पे, बट मुझे एक डायनो चाहिए होगा जो मुझे जल्दी से गाइस ऊपर साइड पहुँचा दे। इससे पहले जोन आके जो ना गाइस अपना जलवा देगा, उससे पहले मेरे को ऊपर पहुँचना पड़ेगा एक्स्ट्रा पॉइंट, क्योंकि मेरे को डायनो भी तो टेम करना है ना। पिछवाड़े पे मार इसके, नाइस वन, कम ऑन। ओके ठीक है, डायनो को टेम करने के लिए भी पॉइंट आ चुके हैं, लाइक जो अपना सेबर वीवर तू थे उसको टेम करना पड़ेगा ना, उसके लिए पॉइंट जमा कर रहा हूँ। सारी लोड कर ले गन बिन्स, नाइस वन, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है, जोन सर जी आ रहे हैं भाई, जोन सर जी आ रहे हैं, कम ऑन मैन, नाइस वन, ओके ऑल राइट। स्टैमिना का भाई थोड़ा सा सीन तो है, बट वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। और यहाँ पे आज भाई अगर सेबर दूध नहीं मिला तो मैं ऊपर पहुँच नहीं पाऊँगा, ये आप सभी को पता ही होगा। या फिर रैप्टर मिल जाए विदाउट किसी डायनो के ऊपर टॉप पे पहुँचना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप ही होता है। ओके क्योंकि गाइस हम लोग ये बड़ी बड़ी सी पहाड़ी पे चढ़ नहीं सकते भाई, अपने खुले खुले जो ना कैसे नंगू से पैरों से भाई, फिर भी अपन ट्राई करते। चलो अपने पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, जोन आ रहा है गाइस, स्ट्रेच कर रहा है, लकली वापस सेबर दूध है, पता नहीं क्या है, और ऊपर सेबर दूध है,
सेबर, सेबर अंकल, नाइस वन। सेबर अंकल जी के दर्शन तो हम लोग को हो चुके हैं, ठीक है, टेम कर ले, टेम हो गया। नाइस, चल चल चल, जल्दी चल, ऊपर 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 ऊपर। रुको ये बताओ, तुम लोग किसके पीछे पड़े हुए थे? तुम किसके पीछे पड़े थे? पहले पीछे साइड क्लियर कर लो, आगे साइड जोन भाई थोड़ा लेट आएगा, तो पीछे साइड क्लियर कर दूंगा ना तो फिर कोई सीन नहीं रहेगा, फिर आगे साइड मैं आराम से जा सकता हूँ, ठीक है। पीछे साइड तो मेरे को कोई भी चारचा और गीगा दिखाई नहीं दे रहा, ओके बॉयज, देर इज नो चारचा और गीगा। टॉप पे देखते हैं अभी, टॉप पे और उस तरफ जाना है डायरेक्टली मुझे, ठीक है। टॉप पे भी मुझे नहीं लग रहा गाइस है कोई करके, है क्या? टॉप पे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा यार, आज फूटी किस्मत है क्या अपनी? मैं उतरा नहीं हूँ भाई उधर, अरे यहाँ पे, ओह शिट मैन, ओ गीगा फाइनली, नाइस वन, लेट्स गो। यहाँ पे गीगा है और रेक्सेस भी है थोड़े से, ठीक है, गीगा और रेक्स है भाई, लगे भाई अपना लगे गाइस अपने साथ, क्या अपन को भाई गीगा मिल गया यहाँ पे, कमॉन कमॉन, रिलोडिंग। पिंक भाई, हाई पिंक की बेस की आग, टेम हो जा, मागे टेम करना, टेम कर ले पहले, नाइस वन, ठीक है, लेट्स गो बॉयज। गीगा अपने पास आ चुका है, हाँ गीगा पे वो ग्लिच तो वर्क करता है, बट अभी गीगा आ चुका है तो अपन लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ये गेम जीत पाए, ओके, ऑलराइट गाइस, चलो लेट्स गो बॉयज, हम लोग ट्राई करेंगे कि ये गेम जीत पाए हम लोग। हाँ बस इसको लेवल अप करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, और साथ में थोड़ी सी आर्मी भी चाहिए होगी। दोनों रेक्स को ले लो क्या? दोनों रेक्स को लेना चाहिए कि नहीं ये मेरे को पता नहीं भाई, ठीक है, बट एक को तो मैं जरूर लूँगा, एक को खा जा पूरा, एक को पूरा खा जा, ठीक है, इसको मार दें और इसको टेम कर ले भाई, टेम कर ले। एक रेक्स ले रहा हूँ, गीगा भी स्लो होता है, रेक्स भी स्लो होता है, कॉम्बो अच्छा पड़ेगा, ठीक है, वो टारगेट वाली ग्लिच ना हो जाए बस, बाकी तो भाई संभाल लेंगे भाई अभी अपन, अपने पास गीगा है भाई, अपने पास गीगा है इस बार। डर है क्या भाई? जिम करे भाई, डर है क्या? कमॉन लेट्स गो रेक्स भाई, मेरी जब पेटी बन जाएगी तब मारेगा क्या तू? इन लोगों को मैं बोलता अटैक माई टारगेट कर दो भाई, अटैक विसल विसल अटैक, अटैक दिस टारगेट, क्या अटैक माई टारगेट होता है भाई, अटैक दिस नहीं भाई, अटैक माई टारगेट नहीं है क्या इसमें? शायद से नहीं है यार, चलो भाई इसी से काम चला लूँगा। क्या हो रहा है, इतना डैमेज क्यों पड़ा अचानक से? इतना तगड़ा डैमेज पड़ा ना, क्या बताऊँ आपको मैं, ठीक है, लेवल वन का गीगा कर लेता हूँ और पॉइंट डाल देता हूँ क्या जिसके रीजन में। ये भाई लोग पीछा कर लो, पीछा कर लो, गीगा का स्टैमिना तो नहीं होता भाई, ये मेरे को भी पता है, गीगा का स्टैमिना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बॉस ही क्या कोई ब्रूड मदर है, 600 पॉइंट मिल गए तो ब्रूड मदर को कब्जे में ले लूँगा, बंदों की नज़दीक आने से भी फटेगी, मस्त प्लान है, विक्ट्री अपनी होगी फिर। 15 लोगे वैसे, 15 लोगे वैसे भाई आप, ठीक है, कोशिश करते गाइस, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और हम लोग पूरी कोशिश करके रहेंगे, और ब्रूड मदर को भी अपने कब्जे में लेना है। 50-50 पॉइंट के लिए इन लोग को मारना पड़ रहा है, बताओ भाई कैसे दिन आ गए, क्या हो रहा है, ग्लिच क्यों हो रहा है इतना? पिंक कितना आ रहा है मेरे को? 80 का पिंक ही तो है भाई, मार देना यार इसको, मैं टारगेट देने से मेरे को डर लग रहा है यार, ऐसा ना मैं टारगेट दे दूँ बेस गेट बैंड बज जाए यार, समझ रहे हो, गेम क्रैश हो जाए, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है मेरे को टारगेट देने से। वो ब्रूड मदर को टेम करने के लिए और 300 पॉइंट चाहिए मेरे को भाई। रेक्स तू उसका गेम बजा, मैं इधर देखता हूँ, इसका गेम बजा, ठीक है बजा ले इसका गेम, डिओ डोकर्स का ले बेटे, नाइस वन। कितने पॉइंट हो गए भाई? 330 और ये 400 पॉइंट, ठीक है 600 पॉइंट से एक भाई पहले ब्रूड मदर टेम कर लेता हूँ। लेवल 3 की मिल जाती है, प्लस ना स्टार्टिंग गेम में काफ़ी ज़्यादा काम आती है, क्योंकि बंदों की ज़्यादा लेवल अप नहीं होती उस टाइम पे, सो काफ़ी ज़्यादा काम आ जाएगी। और पॉइंट चाहिए मेरे को, और पॉइंट चाहिए, पता नहीं कहाँ से मिलेंगे, मैं ब्रूड मदर की तरफ तो बढ़ते जा रहा हूँ, बाकी पता नहीं कहाँ से मिलेंगे पॉइंट, ठीक है लेट्स गो बॉयज, बी पॉजिटिव भाई, जीतेंगे जीतेंगे भाई, काफ़ी टाइम हो गया भाई जीते हुए कोई गेम, जीतने की पूरी कोशिश करेंगे भाई। हो गए भाई, इतने पॉइंट तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट कि हम लोग भाई जाके ब्रूड मदर को टेम कर लें, ठीक है, इसका लेवल 2 भी तो होने वाला है ऑलमोस्ट, इसका लेवल 2 भी तो होने वाला है, जाके ब्रूड मदर को टेम करता हूँ और उसी को खाली पैसिव कर दूंगा, रिक जो ना है जो अपना पैसिव नहीं रहेगा। चलो आ जाओ, कोई मिल जाए खट डायनो यहाँ पे, पिरानस पिरानस मार दो पिरानस को, 4-4 पॉइंट भी काफ़ी है अपने लिए अभी फिलहाल के लिए तो। 89 89, वो कार्नो है यहाँ पे, रुको कार्नो की बैंड बजा देता हूँ, कार्नो से मेरे को पॉइंट मिल जाएगी, 5 पॉइंट चाहिए कार्नो सर, 5 पॉइंट दे दो बस भाई। स्टार्टिंग में ना इससे मेरे नज़दीक कोई नहीं आएगा,
ठीक है। अरे ड्रॉप भी है वहाँ पे, रुको। अरे ड्रॉप भी है, इधर आओ, फॉलो कर लो मेरे को। ब्रूड मदर ले लेता हूँ, इसको पैसिव करके रख देना है खाली। ओके गाइज लेट्स गो। बस 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 बस, हट जा हट जा भाई। अबे चिल्ला बाद में, हट जा। हाँ भाई पहले पेटी लूट ले, ये पेटी लूट ले बेस की। भाई क्या चल रहा है गाइज, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, सच में भाई तुम लोग, भाई मेरे को रोना आ जाएगा। बेस गया भाई, ये चोमू लोगे क्या? सर्वर भी नहीं दिख रहा अभी तो यार, बिक गए गवर्नमेंट सारे मिलके पागल बना रहे गाइस हम लोग को, जानबूझ के हरवाना चाहते मेरे को, जानबूझ के हरवाना चाहते। बेसगी आग भाई, इसके ऊपर बैठो भाई गेम, ये समझ लो भाई वो कनेक्शन टाइम आउट वाला है। चलो अच्छी बात है, क्रैश भी नहीं हुआ, वरना और ज़्यादा टाइम लग जाता है लोड होने में। ये तो कनेक्शन टाइम आउट वाला है भाई, 30 सेकंड में डायरेक्टली गेम के अंदर हूँगा मैं। बट 30 सेकंड में कोई आ गया तो मेरी उल्टी पैर बचा के चला जाएगा, ठीक है यार। क्या बोलूँ मैं भाई, क्या बोलूँ, ये ग्लिचेस भाई, भाई क्या बोल सकते, छोड़ दो भाई। मेरे को बताने में यू या एनए सर्वर में हूँ, एनए में होगा ना तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरे को सारे डायनोस न्यूट्रल रखने पड़ेंगे क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बार क्रैश होगा। कम ऑन जल्दी ना भाई, गीगा टेम कर रखा है मैंने। अबे यार नॉर्थ ईस्ट बीस्ट मार डालो, मार डालो बेस कैप, तो मार डालो, तो मार डालो। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हाँ स्पाइनो को मारा है क्या? वेर इज माई गीगा, वेर इज माई गीगा भाई। वो ये रहा बस तेरी मार यार। ब्रूड मदर इधर आ, इधर आ, जोन में जाना है भाई। भाई यार वेटिंग 17 सेकेंड, कम ऑन। ए भाई सारे आर्मी आ जाओ, सारे आर्मी आ जाओ, बिहेवियर बिहेवियर भाई, सिटीजन बिटीजन भाड़ में जाए भाई, बिहेवियर न्यूट्रल पैसिव, ठीक है चलो आ जाओ लेट्स गो। गीगा को लेके जोन में चल, गीगा को लेके जोन में चल, भेज के आप 45 पॉइंट है अपने पास, पॉइंट ज़्यादा चाहिए अपन को। चल अरे भाई ब्रॉन्टो मिल गए जोन, ओ लकीली जोन काफ़ी नज़दीक है अपने, ठीक है भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि जोन हमारे नज़दीक है भाई, ठीक है भाई। भाई लेवल 2 का तो गीगा खरीदूंगा अभी। भाई रेक्स, भाई तू क्या कर रहा है रेक्स भाई, तेरे को तो मैंने न्यूट्रल रखा है, तुम भाई हेल्प भी नहीं करने आ रहा। सामने की तरफ एक और रेक्स है, मैं 2 रेक्स ले लेता हूँ, ठीक है। ड्रॉप ज़्यादा नहीं लूट रहा मैं, मेरे को लग रहा है ड्रॉप जो ना जो मेरा गेम क्रैश करवा देंगे, इसलिए मैं ड्रॉप ज़्यादा नहीं लूट रहा हूँ। मार दे इसको, मार दे मार दे मार दे भाई, मार दे मार दे, मेरा डैमेज ज़्यादा नहीं है अभी फिलहाल के लिए तो, क्योंकि लेवल 2 भी नहीं हूँ ना मैं। क्या हो गया भाई, हेलो व्हाट द हेल ड्यूड, पिंग तो 68 है, ये तो कल हारी के साथ हो रहा था ऐसा सीन यार। मार डालो मेरे को, मेरे को मार दो भाई, ये कल हारी के साथ हो रहा था, उसका नेट भी ठीक था ना, फिर भी उसका ये जो देख रहे हो ये सीन हो रहा था, क्या करूं मैं? नहीं मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं भेस की आग, तुम्हारे भेस की आग क्या क्या चल क्या रहा भाई, करना क्या चाहते हो तुम मेरे साथ ये बता दो भाई, तुम लोग को हरवाना है तो बता दो भाई। पिंग तो ठीक ही है भाई, सच में भाई घटिया गेम है भाई, एक नंबर का भाई, मेरे को समझ ना आ रहा अभी मैं क्या बोलूँ भाई, भाई बोध हो गया भाई यार ये भाई, इतना क्रैश हो रहा ना भाई। अभी भाई जोन के बाहर भी ऊपर से मैं, मेरे तो बैंड बजा डालेंगे, बजाओ क्या, जिंदा हो तो बता दो। जोन मार रहा अबे हट ना, बिजंडा ना, टाइम ही नहीं है, पता नहीं गीगा बचेगा कि नहीं। जोन में अगर गीगा मरा ना मेरा, मेरे को ना किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। व्हाट द, खत्म, अभी ना एक बार भी गेम क्रैश नहीं होगा, देख लेना एक बार भी गेम क्रैश नहीं होगा। अभी गेम क्रैश हुआ ना तो भाई मैं भाई फिटेज खेलना भाई वो कर दूं, बंद कर दूं, देखना। अभी अगर एक बार भी क्रैश हुआ ना गेम, देखना बस देखना गाइस, एक बार भी क्रैश नहीं होगा, ना हाई पिंग देगा ना आगे पीछे करेगा, देखना गाइस देखना, मेरे को बताया ना गाइस, देखो देखो बस देखो आप लोग, देखो भाई सबसे घटिया गेम है भाई ये, देखो तेरी को ले लूँ क्या, कार मर भी नहीं है मेरे पास, क्यों उंगली कर रहा हूँ मैं इससे। अबे एक बार भी क्रैश नहीं होगा गेम, देख लेना गाइस। अबे यार पिंग
पिंक तो दे रही है भाई, पिंक तो काफी ज्यादा तगड़ी वाली आई दे रही है। मार दे उसको अभी, दिमाग खराब कर दिया भाई, दिमाग खराब कर दिया भाई। कितना पिंग है भाई? 94 पिंग है भाई। पिंग तो हाई है भाई, मानता हूँ मैं, बट अभी गेम क्रैश नहीं होगा देखना। मेरे को बताया भाई, एंड तो गेम क्रैश नहीं होगा भाई, अभी देखना। अभी ना एकदम भाई मक्खन मार के चलेगा आराम आराम से, कोई सीन ही नहीं है भाई, कोई सीन ही नहीं है। पिंग तो भाई काफ़ी ज़्यादा हाई दे रही है मेरे को, इतना तो बताया मेरे को, बट गेम क्रैश नहीं होगा। देखो मैं जीतने की कोशिश करूँगा फिर भी, अगर सच में अगर गेम क्रैश हुआ ना, मैं चाहता हो जाए भाई, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अगर अभी गेम क्रैश नहीं हुआ, बिल्कुल भी क्रैश नहीं होना, मेरा सच में बहुत दिमाग घूम जाएगा गाइस, सच में भाई मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग घूम जाएगा। मार ना भाई, भाई इनविटेशन दे दूंगा तेरे को अभी भाई, आरो मारने का भी। ये देखो भाई, यार दिमाग खराब हो रहा है मेरा तो दिमाग का भरोसा हो रहा है पूरा। कमॉन ब्रदर, कमॉन ब्रदर, कमॉन ब्रदर, मार दे भाई। चीटो तुमको क्या भाई, मार खाना क्या, डर नहीं लगता? हो गया रे गेम क्रैश भाई, रुक जाना रुक जाना, देखता कुछ तो करता मैं। A few moments later. तो गाइज गेम में आने के बाद मुझे ये पता चला, रिकॉर्डिंग मैंने बंद करी थी एक्चुअली में, ठीक है। जैसे गेम में घुसा, मेरे को किसने मारा बताएं, जो चीटियां मेरे पीछे पड़ी थी ना गेम क्रैश होने से पहले, वो चीटियां मेरा गेम बजा डाली, आर्मर वर्मर उड़ा के सीधा द एंड गाइज, और गेम ओवर। और बंदे के पास आर्मी के कौन कौन सी बताया अभी, ब्रायनिक्स नंगे बंदे और ब्रायनिक्स आर्मी। अपने पास क्या था, गीगा। ये देखिए ना मुझे भाई, सच में भाई बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जोन के बाहर जाके भाई हम लोग ने वो टेम करा था। हाँ एक के पास वो रेक्स आर्मी है भाई, और उसने अभी गोलेम बिलेम टेम कर रखे, बट अपने पास भी तो रेक्स थे, और अपन को टाइम मिलता तो इजीली पेल डालते अपन लोग भाई। गीगा था अपने पास यार, क्या बोलेगा इस। और भाई चीटियों से मर गया मैं एंड में, पर जो मेरा दिमाग घूम रहा ना भाई, मैं क्या बोलूँ भाई। ये क्रैश तो गाइस हमारा हमेशा चलता ही रहता है, छोड़ो चलो कोई ना, वैसे भी अभी हम लोग मर चुके हैं सो। और हमारा भाई गीगा जोन में मर गया भाई, इस बात का बहुत दुख है मेरे को। चलो कोई ना, ये वाला एपिसोड गाइस हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते सीधा अगली वीडियो में। बस जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, दिल से बुरा लगता है गाइस जब भी ऐसा होता है भाई, क्या ही बोले। चलो मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस। और अगली बार ना मैं डुओ पीओ में खेलूंगा, ताकि एटलीस्ट अगर मैं मर भी जाता हूँ ना, तो एक हाथ भाई बैकअप रहे अपने पास, एक बंदा कोई रहे जो अपने भाई आर्मी बिरमो को बचा सके जोन में लेके जाके, ठीक है। चलो मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।